हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी अनबैलेंस हो गई है, हमारा खान पीन बच्चों के साथ साथ इतना फास्ट फूड, तो ऐसे में कुछ भी हमें टॉनिक ऐसा मिल जाए जो हमारी लाइफ को बैलेंस कर सके और हमारे इनसाइड यानी हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो हैं उनको बैलेंस कर देंगे। सबसे पहले मैं एक सिट्रिक एसिड बना रही हूँ जिसमें मैंने यहाँ 2 नींबू लिए हैं। सीजनिंग सिट्रिक आप यानी खट्टे में कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास संतरा था, मैंने संतरा लिया। मौसमी गलगले आप कुछ भी ले सकते हैं, किन्नू ले सकते हैं। तो इसको कुछ भी नहीं करना, काट के बिल्कुल बारीक टुकड़ों में किसी भी जार विद छिलका भी आप नहीं फेंके। दूसरा जो है मैं बीट रूट का बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को लेकर, बड़ों को तो है ही है, बच्चों को भी आजकल कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की जो है बहुत ज़्यादा शिकायत हो गई है। बीट रूट के आप फ़ायदे जानते ही हैं, ये खून की कमी को पूरा करते हैं। और सीजनिंग फ्रूट तो वैसे ही सबसे बेस्ट होते हैं, बिल्कुल बारीक कट कर लीजिए। और जैसे कि कांजी का प्रोसीजर होता है ना, इसी तरीके से आप बीट रूट कांजी इसको कह सकते हैं। बट इसमें मैंने कुछ भी ऐड ज़्यादा नहीं किया, कोई मसाले नहीं, बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ। और सर्दियों के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। थोड़ा दूसरा सेकंड जो है मैं यहाँ पर अंबा हल्दी का टुकड़ा ले रही हूँ और ये भी थोड़ी थोड़ी बिल्कुल बारीक पीसों में पीस बिल्कुल कट करके उसमें जार में डालूंगी। और तीसरा जो मैं लूँगी यहाँ पे अदरक भी आपको पता है कि सर्दियों में बहुत बेस्ट है। बच्चे खाने पीने में तो ऐड नहीं करते हैं, लिक्विड आप थोड़ा सा रूटीन करेंगे ना तो बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट है। और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, काला नमक ऐड कीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कीजिए। सिट्रिक वाटर में सिर्फ आप काला नमक ही ऐड कीजिए और कुछ भी आपको कोई मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बीट रूट में मैं जो है थोड़ा सा क्या नाम है यहाँ पे पीली सरसों ऐड करूँगी। जब ये तीनों आप डाल लीजिए तो थोड़ा सा गुनगुना वाटर डालिए क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। नॉर्मली अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल वाटर ही डाल सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको 48 ज़रूर रखिए यानी 48 घंटे तक इसे रखिए, थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और जब भी आपको पीना हो कोशिश करें कि खाने से पहले और जो है खाली पेट ही पी लिए। कितना सिर्फ मात्र जो है आधा कप यानी 1/4 कप जो छोटा सा होता है ना उतना ही यानी 2 कड़छी के करीब जो है देखिए यहाँ पे और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बीट रूट में मैंने सिर्फ जो है काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और ये पीली सरसों ही ऐड की है और कुछ भी ऐड नहीं किया। मॉर्निंग में इसको रूटीन में आप यूज़ कीजिए, जिनका फैटी लीवर है, कब्ज की शिकायत है, टोटली दूर हो जाएगी। होप्स आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आए। जब भी इसको यूज़ करें थोड़ा सा कड़छी से हिला लीजिए, जैसे मैंने बॉटल में डाला है तो बॉटल को थोड़ा सा आप इस तरीके से शेक कर लीजिए। और इस पूरे इस मिक्सचर को जो है आप 1 मंथ रख सकते हैं, साथ साथ जो है और पानी डालते जाइए और काला नमक ऐड करते रहिए। आप वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।